जिंदगी में अगर किसी के पीछे आंख बंद करके भागोगे तो बहुत तगड़ा वाला धोखा खा जाओगे। सेम इसी तरह अगर तुम इंस्टाग्राम पर पहले का ट्रिक्स को फॉलो करते हुए जाओगे तो सीधा नीचे आ जाओगे हमारी तरह। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, यकीन नहीं हो रहा तो चूटी काट के देख लो। अबे हट, पहले हम लोग जो भी ट्रिक्स फॉलो करते थे उससे तो वीडियोस वायरल हो जाता था, बट अब अगर तुम पहले का ट्रिक्स को फॉलो करते रहोगे तो तुम्हारे वीडियो में कभी भी व्यूज नहीं आने का है, क्योंकि एल्गोरिदम चेंज हो गया और वो सब ट्रिक्स आउटडेटेड हो गया। आप लोगों ने काफी सारे यूट्यूबर्स का तो मुंह से सुना ही होगा कि डेली वीडियोस अपलोड करो या फिर एक दिन के बाद करो। अभी का जो एल्गोरिदम है यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं आपको यहाँ पर कुछ अकाउंट भी दिखा दे रहा हूँ। मतलब आपने अभी रील्स अपलोड किया और एक दिन उसको छोड़ दो, फिर दूसरे दिन वही टाइमिंग पे आपको रील्स अपलोड करना है। एक दिन रील्स अपलोड करने के बाद उसको एक दिन का टाइम देना होगा वायरल होने के लिए। अगर आप उसका बीच में कोई रील्स अपलोड कर दोगे तो वो आगे नहीं जाएगा। ऐसा हमारा कहना नहीं है, लोगों का कहना है, और ऐसा वर्क भी कर रहा। ठीक है, समझ गया। काफी सारे लोग रील्स अपलोड करते हैं, हैशटैग जो होता है, हैशटैग क्या करते, कॉपी पेस्ट मार देते, सेम हैशटैग चिपका देते थे, पहले तो रील्स में व्यूज आ जाता था, बट अब अगर आप सेम हैशटैग अपने रील्स में चिपकाओगे तो आपका रील्स में व्यूज बिल्कुल भी नहीं आएगा। यहाँ पर ही आपको क्या करना है, अब हर वीडियो में तो भाई नया नया हैशटैग ढूंढेंगे नहीं ना, तो आपको यहाँ पर हर वीडियो में अलग अलग हैशटैग डालना है। सेम हैशटैग भी नहीं होना चाहिए, कल आपने अलग हैशटैग डाला तो आज आपको अलग हैशटैग डालना, कल अलग हैशटैग डालना। सेम हैशटैग डालोगे तो यहाँ पर इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम आपका वीडियो कभी भी वायरल नहीं करेगा अभी के टाइम पे, क्योंकि अभी एल्गोरिदम वर्क कर रहा है। अभी आप काफी सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि भाई कैसे हैशटैग डालेंगे, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना, आप अपने वीडियो से रिलेटेड 4 से 5, 6, 7 हैशटैग निकाल लो और 4 से 5 ट्रेंडिंग हैशटैग मार दो, जैसे वायरल, ट्रेंडिंग, रील्स, रील्स इंस्टाग्राम, रील करो, फील करो, मजा लो, ये लो, वो लो। तुम्हें उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उनकी फिक्र मैं कर रहा हूँ, तुम मेरी फिक्र करो। पहले हम लोग जैसा भी स्टोरी लगाते थे व्यूज आता था, बट अब से ऐसा नहीं है। अगर कोई भी बंदा आपका स्टोरी एक दफा स्किप करेगा तो इंस्टाग्राम आपका स्टोरी उसको शो नहीं करेगा, तो इसलिए आप अगर कोई भी स्टोरी लगाओ तो ऐसा लगाओ कि लोग उसको पूरा वॉच करे, फिर नेक्स्ट आप जैसे स्टोरी डालोगे ना तो इंस्टाग्राम फर्स्ट में उसको दिखाएगा, क्योंकि वो आपका स्टोरी फुल वॉच कर रहा है तो उसको शो होगा ही होगा, क्योंकि ये वाला चीज पहले नहीं था, अब भी हो गया। आज से कुछ टाइम पहले काफी सारे लोग इस टॉपिक पे वीडियो बनाया था, इस टॉपिक को मैंने भी कवर किया था कि रील्स अपलोड करते बैक आ जाओ, नेट बंद कर दो और आपका जो थोड़ा देर का आधा एक घंटे के बाद आप रील्स ओपन करके देखोगे, इंस्टाग्राम ओपन करके देखोगे तो आपका जो रील्स है वो वायरल हो जाएगा, व्यूज आने स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर काफी सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भाई रील्स अपलोड करने के बाद पहले के ट्रिक्स वर्क करता था बट अब नहीं कर रहा है। आप रील्स अपलोड करके चाहो तो आप रुक भी सकते हो, चाहो तो आप बैक भी जा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके अगर कोई काम है तो आप चले जाओ रील्स अपलोड करके, बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि रील्स अपलोड करने के बाद बैक आ जाओ, आधा एक घंटे के बाद देखो तो आपका पहले ये ट्रिक्स वर्क करता था। नहीं, सच में ये ट्रिक्स पहले वर्क कर रहा था बट अभी नहीं कर रहा है, एल्गोरिथम चेंज हो गया तो मेरे को बताना पड़ा। और क्या, बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।